किशोरी जी को है, किशोरी जी नाम देखा एकदम प्रसन्न हो गई थी। प्यारी जो कैसी रही, किशोरी जी की लजा की नजरें कैसी हो गई, बहुत सुंदर रही। आपकी आज्ञा हो तो एक काम और करूं, आपके आंखन में अंजन बांध दूं, तुम पे आवे, अरे मेरे जैसे को आका करेंगे। अच्छा तो आने दे, तो बोले बाकी कहीं आपको अपने मस्तक को मेरे गोद में रखना पड़ेगा। तो प्रिया जी ने अपने मस्तक को लाल जी के गोद में विराजमान किया और लाल जी ने इतनी बारीकी से प्रिया जी के आंखों में अंजन आया, उस सुरमा को थे काजल की रेख जितनी पतली होती है उतनी सुंदर होती है। और प्रिया जी से कहा, सखी से कहा ललिता से, ललिते ला दर्पण दिखा, दर्पण दिखाया प्रिया जी को। प्रिया जी देखियो अंजन कैसे आयो, प्रिया जी देखो तुम मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा के बोली प्यारे तुम परम प्रवीण हो, परम कुशल हो, तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ प्यारी तू पुरस्कार को अधिकार अगर मिल रहा हो तो मांगू, हाँ प्यारे मांगो, प्यारे जी तुम मुझे मान मत करेगा। तो प्रिया जी बोले जी ना सके जाओ ना, बोले तुम ले अभी तो पुरस्कार दे रहे अभी मान कर रहे। तो लाल जी मनाने में परम प्रवीण है और प्रिया जी मान करने में परम प्रवीण है। लाल जी कहते हैं प्यारे जी आपके थोड़ी पे जो चिबुक है ना तिल जी कैसे लगा पता है, तो कैसे लगा बोले गोरी के मुख पे तिल बनो तारी करूं मैं प्रणाम, मानो चंद बिछाए के पौड़े सालिग राम। और किसी रिजु कोई सुंदर मखमली चादर बिछाए के श्वेत रंग की, आपके कपूर श्वेत रंग के, आपके चंदर बिछा के पौड़े सालिग राम जी पढ़ाए गई हो। तो किशोर जी हंसने हंस गए तो मान भंग हो गया। प्रिया जी ने लाल जी को अंग विराजमान कर लिया। सखिया जो है पान भी अर्पित करती हैं और सुंदर मंगल आरती करती हैं। तो कहते हैं ऐसी लीलाओं में जब चित्त लग जाएगा तो मन कहाँ जाएगा, करत करत अभ्यास के जन्म भी हो तो सुजान। तो इस प्रकार श्री किशोर जी के सुंदर बेली विराजमान है और मस्तक पे दिव्य चंद्र का विराजमान है और लाल जी के स्कंद में अपने कर कमल को पधराए हुए हैं। नवल किशोर नवल नागरिया अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। नवल किशोर नवल नागरिया करत विनोद तर नितन आतक, श्याम श्याम सुरंग रस भरिया। यों लपटाए रहे उर अंतर मरकत मणि कंचन जो जरिया, उपमा को घन दामिनी नामी कंदर्प कोटि वारने करिया। सूरदास मदन मोहन नवल जोड़ी नंदनंदन वृषभान दुलरिया। नवल किशोर नवल नागरिया जब इन पदों में लीला चित्र डूब जाएगा तो कहाँ मन जाएगा, ऐसे रूप का ध्यान करना चाहिए। और श्री ससुराल जी ने और भी कुछ पूछे हैं कि प्रभु हमको मुक्ति का साधन कैसे प्राप्त हो, दास युक्त नाम क्यों दिया जाता है, संसार में कौन सा श्रेष्ठ धर्म है, वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न और भी पूछे हैं, इसका वर्णन कल करेंगे। आज वाणी हो रहा हूं। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा।
Jai Jai Radhe.